नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां भारतीय लोक समता मंच समस्तीपुर जिला इकाई की बैठक जिला के शिवम होटल में आयोजित की गई। इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अध्यक्षता भारतीय लोक समता मंच समस्तीपुर के जिला संयोजक अजय कुशवाहा ने किया। भारतीय लोक समता मंच के नवनियुक्त जिला संयोजक अजय कुशवाहा ने कहा कि वे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और पार्टी को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय लोक समता मंच के प्रदेश संयोजक व पूर्व प्रधान महासचिव रालोसपा सत्यानंद प्रसाद आंगी ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी भारतीय नागरिकों के बीच सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक न्याय का अभाव है, इसलिए सभी जाति और धर्म के लोगों के बीच राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए नई राजनीतिक पार्टी के निर्माण की आवश्यकता है, जिसके आलोक में भारतीय लोक समता मंच अगस्त 2020 में जनधिकार महासम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसके माध्यम से एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा भी की जाएगी। श्री दांगी ने कहा कि देश में जाति आधारित जनगणना किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर सुनिश्चित किया जा सके। श्री दांगी ने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को बिहार सरकार की नौकरियों की तरह ही भारत सरकार की नौकरियों में भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। नई पार्टी का गठन होते ही भारत सरकार तथा बिहार सरकार के इन विसंगतियों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। और भारतीय लोक समता मंच तमाम बात, भारतीय लोक समता मंच जो है एक सामाजिक संगठन है, जो कुछ दिन के बाद जाके पार्टी बनेगी, और अभी हमको इस संगठन सामाजिक संगठन का जिला संयोजक बनाया गया है। पार्टी धारधार के लिए क्या करना है जी? आगे पार्टी के धारधार के लिए क्या करना है? आगे जो पार्टी निर्णय आला कमान का जो आदेश होगा, हम लोग एकदम तन मन से लगे के संगठन को विस्तार करेंगे। क्या नाम हो? अजय कुशवाहा। अभी बिहार में मुख्य रूप से दो धारा है, एक NDA धारा, एक UPA धारा, और दोनों धारा एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। इसमें बीच में बिहार की जनता पीस रही है, युवा बेरोजगार पीस रहा है। भारतीय लोक समता के गर्भ से जो पार्टी निकलेगी, अपना धारा जो किसानों का समस्या है, बेरोजगारों का समस्या है, इस समस्या पर काम करेगी, और इस विचार से जो ओत पोत होंगे, सहमत होंगे, उनके साथ काम करेगी। धन्यवाद।